Hi friends, Mahesh here from Tech2Glide. Today I am discuss about the gestures of Realme 2 Pro. दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ बहुत ही अमेजिंग जेस्टर्स के बारे में जो आपको Realme 2 Pro के अंदर देखने को मिल जाते हैं, और इन जेस्टर्स को यूज करने के बाद आप ये कहेंगे कि काफी अच्छे जेस्टर्स आपको इस फोन के अंदर देखने को मिलते हैं, लेकिन अभी तक आपने उनको यूज नहीं किया। तो आज मैं आपको बहुत ही स्मार्ट तरीके से सब कुछ बताने वाला हूँ इन जेस्टर्स को जानने के बाद। दोस्तों आप भी ये कहेंगे कि क्यों ना हम भी इन जेस्टर्स को यूज़ करें और काफ़ी अच्छी तरीके से अपने मोबाइल को हैंडल कर पाएंगे। दोस्तों ये एक प्रकार के शॉर्टकट्स होते हैं जिनको यूज़ करके आप ऑफ स्क्रीन में भी काफ़ी जल्दी जल्दी टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं और देखने में काफ़ी अमेजिंग लगते हैं आपको। तो चलिए दोस्तों इन जेस्टर्स को मैं आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ वन बाई वन। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको Realme 2 Pro से रिलेटेड सारी वीडियोज़ यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, काफ़ी अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह भी देखने को आपको मिल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों एक एग्जांपल के लिए मैं आपको एक जेस्चर दिखाता हूँ कि कितना प्यारी तरीके से आप जेस्चर्स को अलाउ कर सकते हैं। जैसे दोस्तों ये एक जेस्चर था, देखिए दोस्तों, तो इस तरीके से आप जेस्चर्स को अलाउ करके काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। गाइज अब हम परफॉर्म करते हैं वन बाई वन जेस्चर्स को जो कि आपको Realme 2 Pro के अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ ऑफ स्क्रीन जेस्चर्स। दोस्तों ऑफ स्क्रीन जेस्चर्स आपको सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में जाने के बाद दोस्तों आपको जाना होगा कन्वीनियंस एड के अंदर। दोस्तों यहाँ पर आपको देख सकते हैं आप जेस्चर्स एंड मोशंस का एक फोल्डर देखने को मिल जाता है, यहाँ इस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स देखने को मिल रहे हैं, इन पर क्लिक करना होगा आपको। तो यहाँ पर स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स आप काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप डबल टैप टू टर्न ऑन स्क्रीन, यानी कि आप स्क्रीन को ऑन कर सकते हैं डबल टैप करके। ड्रॉ ओ टू ओपन कैमरा, दोस्तों ओपन करने के लिए कैमरा को आप ओ को ड्रॉ कर सकते हैं। दोस्तों ड्रॉ वी टू टर्न ऑन फ्लैश लाइट आप ऑन कर सकते हैं वी के द्वारा। और दोस्तों म्यूजिक के लिए एक स्पेशल कंट्रोल है, जब आप दो उंगलियों को स्लाइड करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाता है। आप इस तरीके से वी को बनाएंगे और इस तरीके से वी को बनाएंगे तो ये आप प्रीवियस और साथ में फॉरवर्ड जाने को कर देता है। और दोस्तों ये नीचे आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं ऑफ स्क्रीन जेस्चर्स के, जैसे आप स्लाइड राइट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, स्लाइड अप कर सकते हैं, स्लाइड डाउन कर सकते हैं, स्लाइड लेफ्ट कर सकते हैं, ड्रॉ एम कर सकते हैं, ड्रॉ डब्ल्यू कर सकते हैं, और आप इस पर किसी भी ऐप को अपने हिसाब से लॉन्च करवा सकते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पे स्लाइड राइट के ऊपर लॉन्च काइट का ऐप ले रखा है, तो आप इसे काइट को हटा के कोई भी ऐप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जैसे स्टार्ट एन ऐप, आपको इस पर जाना होगा। उसके बाद दोस्तों ये सारे ऐप्स खोल के आ जाते हैं, आप किसी भी ऐप्स को अपने हिसाब से सेलेक्ट कीजिए और अपना खोलिए और अपना जो चाहें अपना इंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों जैसे कि मैं इसमें ले लेता हूँ गूगल ड्यूओ को, तो दोस्तों ये गूगल ड्यूओ लॉन्च हो जाएगा जब मैं स्लाइड राइट करूँगा। तो अब दोस्तों मैं आपको सारे ऑफ स्क्रीन जेस्चर्स को एक एक करके अलाउ करके दिखाता हूँ। जो दोस्तों जैसे कि डबल टैप टू टर्न ऑन स्क्रीन, दोस्तों जैसे डबल टैप आप करेंगे ये टर्न ऑन हो गई स्क्रीन, ये पहला जेस्चर था। अब दोस्तों दूसरा जेस्चर मैं आपको करके दिखाता हूँ। दोस्तों ओ ड्रॉ करना है आपको कैमरे के लिए, तो दोस्तों मैंने ओ ड्रॉ करा सिंपली। अब देख सकते हैं आप कैमरा अनेबल हो चुका है, ये भी काफ़ी अच्छा जेस्चर था। अब दोस्तों सिंपली मैं आपको तीसरा जेस्चर करके दिखाता हूँ। दोस्तों आपको वी करना होगा फ्लैश लाइट के लिए, तो दोस्तों सिंपली मैंने वी को बनाया और देख सकते हैं आप पीछे फ्लैश लाइट अनेबल हो चुकी है। ये दोस्तों देख सकते हैं आप फ्लैश लाइट अनेबल हो चुका है। अब दोस्तों आगे आपने जो भी जेस्चर्स अपने हिसाब से कंट्रोल किए होंगे, दोस्तों एक मैं म्यूजिक का जेस्चर आपको और बता देता हूँ। जैसे आप म्यूजिक को दो उंगलियों से प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं म्यूजिक अलाउ हो जाएगा। म्यूजिक दोस्तों प्ले हो चुका है, लेकिन मैं इसे ज़्यादा देर तक नहीं चला पाऊंगा, आपको भी पता है कॉपीराइट क्लेम हो जाता है। और जब आप इसे इस तरीके से बनाएंगे तो गाना आपका फॉरवर्ड हो जाएगा, जब आप इस तरीके से भी बनाएंगे तो गाना आपका रिवर्स हो जाएगा। तो दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छे फीचर लगे मुझे देखने में, बेस्ट फीचर्स लगा मुझे। अब दोस्तों बात करता हूँ मैं आगे के जेस्चर्स की। तो दोस्तों ये ऑफ स्क्रीन जेस्चर्स हैं जो कि आप अपने हिसाब से ऐप्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने स्लाइड राइट पे अपना लॉन्च डीओ कर रखा था, तो मैं स्लाइड राइट करता हूँ। दोस्तों देखिए ये एक जेस्चर अलाउ हो चुका है और डीओ ओपन हो चुका है। दोस्तों बड़ा ही स्मार्ट एंड कन्वीनियंट ऐप है ये। अब दोस्तों मैंने अनलॉक के लिए ये कर रखा था, जैसे मैं अब फॉरवर्ड के लिए करता हूँ तो गेम स्पेस आपका ओपन हो जाएगा। दोस्तों देख सकते हैं आप गेम स्पेस ओपन हो चुका है। अब दोस्तों मैंने लॉन्च यूट्यूब के लिए स्लाइड डाउन कर रखा है, अब दोस्तों देखेंगे आप यूट्यूब लॉन्च हो जाएगा, यूट्यूब लॉन्च हो चुका है। अब दोस्तों मैंने मैसेज के लिए एम बनाने के लिए, यानी मैं लॉन्च मैसेज करूंगा तो एक एम बनाऊंगा सिंपली, दोस्तों एम बन गया।
और मैसेज लॉन्च हो चुका है दोस्तों। मैसेज पे मेरी सिक्योरिटी है इसलिए पासवर्ड लेगा ये। अब दोस्तों उसके बाद में मैं आपसे बात करता हूँ, अगर W मैं ड्रॉ करता हूँ तो मेरा ऐप मार्केट ओपन हो जाएगा। दोस्तों देखिए मैं बड़े सिंपली से W ड्रॉ कर दूंगा और मेरा ऐप मार्केट ओपन हो चुका है रियलमी का। काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट ऐप आपको देखने को मिल जाते हैं और जब आप थ्री फिंगर से स्लाइड करेंगे तो आपको एक स्क्रीनशॉट देखने को मिल जाएगा। दोस्तों देखिए एक स्क्रीनशॉट भी हो चुका है। अब दोस्तों सबसे बड़ा एक और फीचर आपको देखने को मिल जाता है, रेस टू बेक। ये दोस्तों देख सकते हैं अब रेस टू बेक अलाउ हो चुका है, यानी जब भी आप इस तरीके से हिलाएंगे मोबाइल को तो ये रेस टू बेक हो जाता है। गाइज अभी आपने देखे स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स, अब बात करते हैं स्मार्ट कॉलिंग जेस्चर्स के बारे में। तो दोस्तों आपको स्मार्ट कॉल के अंदर जाना होगा, ऑटो कॉल व्हेन प्लेसिंग फोन टू नियर ईयर। जैसे ही आप फोन को अपने पास लाएंगे कान के, ये फोन आपका अनेबल हो जाएगा। ऑटो आंसर व्हेन फोन इज नियर ईयर, आप ऑटो आंसर भी कर सकते हैं फोन को जैसे ही आपके फोन को पास लाएंगे आप अपने कान के। मोड स्विचिंग ड्यूरिंग कॉल्स, ये दोस्तों एक अलग सा फीचर है, ऑटोमेटिकली स्विचेस ऑडियो फ्रॉम स्पीकर टू रिसीवर व्हेन द फोन इज हेल्ड नियर योर ईयर। जैसे ही आपका फोन नियर आएगा ईयर के, ये ऑडियो को भी रिसीव करवा देगा जो भी रिसीवर होगा आपका नेक्स्ट साइड में। दोस्तों फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल्स, दोस्तों आप फ्लिप कर सकते हैं मोबाइल को और इनकमिंग कॉल को म्यूट कर सकते हैं। अब दोस्तों अगले फीचर्स की हम बात करते हैं तो वो आपको देखने को मिल जाएंगे कन्वीनियंस एड के ही अंदर आपको देखने को मिलेंगे। आपको जाना होगा यहाँ पे कन्वीनियंस एड के अंदर, यहाँ पे दोस्तों आपको नेविगेशन कीज देखने को मिल जाती हैं। तो दोस्तों जो अभी जो आपका सेट होता है वर्चुअल कीज सेट होती हैं, तो वर्चुअल कीज को आप यूज़ करते हैं, जो भी लेआउट आप चाहें इसमें से ले सकते हैं। जैसे आपको ये चार वर्चुअल कीज के लेआउट दिए हुए हैं, जो भी आप चाहें एनेबल करके अपना इधर से उधर कर सकते हैं बैक साइड टास्क बार वगैरह को। अब दोस्तों स्वाइप अप जेस्चर्स के बारे में बात करता हूँ मैं आपसे। स्वाइप अप जेस्चर्स आप अलाउ कर लेंगे, उसके बाद आप कोई भी बैक एट बोथ साइड, दोस्तों बोथ साइड से आप बैक कर सकते हैं ये वाला जेस्चर अलाउ करने के बाद। सिंपल जेस्चर्स भी आप लगा सकते हैं, बोथ साइड से बैक वाला जेस्चर दोस्तों मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बोथ साइड से हम बैक कर लेंगे और उसके बाद में बीच वाले स्लाइड से हम मेन मेन्यू में आ जाएंगे। तो दोस्तों ये वाला जेस्चर मैंने अलाउ कर दिया, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने स्लाइड करूँगा बीच में से, तो दोस्तों ये मेन मेन्यू आ गया। यहाँ से दोस्तों जैसे मैं कैमरे के अंदर जाता हूँ, कैमरे के अंदर जाने के बाद इधर से बैक आ गया। अब दोस्तों आप जो भी चाहें आप कर सकते हैं, और यहाँ पे अगर आप प्रेस करके और अलाउ कर देंगे तो दोस्तों आप गूगल वगैरह को भी अलाउ कर सकते हैं, गूगल असिस्टेंट वगैरह को। तो दोस्तों ये भी जेस्चर्स मुझे काफ़ी पसंद आए। अब दोस्तों मैं आपसे बात करूँगा एक और जेस्चर्स के बारे में जो होते हैं मैग्नीफिकेशन जेस्चर्स। तो दोस्तों इनके लिए आपको एडिशनल सेटिंग्स में जाना होगा। एडिशनल सेटिंग्स में जाने के बाद एक आपको फोल्डर मिलेगा एक्सेसिबिलिटी। दोस्तों एक्सेसिबिलिटी में जाने के बाद आप यहाँ पे मैग्नीफिकेशन जेस्चर्स देख सकते हैं, ये काफ़ी हिडन होते हैं, इनको आपको अलाउ करना होता है। तो दोस्तों मैग्नीफिकेशन जेस्चर्स को अलाउ करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना होता है। अब दोस्तों ये हेडिंग्स वगैरह आप पढ़ सकते हैं, आप तीन फिंगर को दबा के दोस्तों एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रॉल अप कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं। काफ़ी सारे फीचर्स आपको यहाँ पे मैग्नीफिकेशन जेस्चर्स के अंदर देखने को मिल जाते हैं। जैसे एक फीचर मुझे काफ़ी पसंद आया, तो आप जब तीन बार लगातार टैप करेंगे तो आपका पेज जूम हो जाता है, देख सकते हैं दोस्तों ये जूम हो चुका है आपका पेज। और जैसे ही आप टैप करेंगे तीन बार तो ये जूम से निकल जाता है बाहर। और दोस्तों ये लिफ्ट योर फिंगर टू कैंसिल जूमिंग, ड्रैग योर फिंगर टू मूव अराउंड द स्क्रीन, और दोस्तों यहाँ पे पिंच एंड अनपिंच टू स्क्रीन टू एडजस्ट। दोस्तों जूम लेवल के लिए आपको ये मैग्नीफिकेशन जेस्चर्स मेनली देखने को मिल जाते हैं। ये भी जेस्चर्स काफ़ी अच्छे जेस्चर्स होते हैं। तो दोस्तों अब हम बैक करते हैं, बैक जाने के बाद दोस्तों जितने भी जेस्चर्स थे मैंने आपको बता दिए, फिर से बैक करते हैं कन्वीनियंस एड में एक बार चलते हैं। दोस्तों आप असेसिटिव बॉल को भी अलाउ कर सकते हैं, असेसिटिव बॉल के अंदर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जेस्चर ऑपरेशन टैप मेन्यू। दोस्तों टैप ये आप तीन ऑप्शन अलाउ कर सकते हैं, टैप अगर आप करेंगे तो बैक हो जाता है यहाँ पे, डबल टैप करने पे लॉक स्क्रीन हो जाएगा और टच एंड होल्ड पे होम स्क्रीन में चले जाएंगे। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं आपको असेसिटिव बॉल को सबसे पहले इसकी एक्यूरेसी आप जैसे आपको देखनी है उस हिसाब से दिखाता हूँ। जैसे मैं अभी डार्क कर लेता हूँ तो असेसिटिव बॉल को मैं लाता हूँ इधर, इधर लाने के बाद मैं इसको एक बार प्रेस करता हूँ, दोस्तों बैक हो गया। अब मैं दोबारा से इसके अंदर जाता हूँ, अब दोस्तों अगर मैं डबल टैप करता हूँ तो आप देखेंगे लॉक स्क्रीन हो जाएगा, ये स्क्रीन लॉक हो गई। अब दोस्तों अगला जो है टच एंड होल्ड टू मेन मेन्यू, दोस्तों होम के अंदर चले जाएंगे। तो मैं दबा के और होल्ड करके रखता हूँ, दोस्तों देख सकते हैं आप मेन मेन्यू में आ चुके हैं।
तो ये भी काफी अच्छा मुझे क्विक बॉल का फीचर देखने को मिला। तो दोस्तों ये थे सारे Realme 2 Pro के जेस्चर्स, उम्मीद है आपको काफी ज्यादा पसंद आए होंगे। अगर जेस्चर्स आपको पसंद आए हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि आगे आपको Realme 2 Pro से रिलेटेड, MI Note 5 Pro से रिलेटेड काफी सारी वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर देखने को मिल जाती हैं। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, मिलता हूं आपसे अगली ऐसी एक लेटेस्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, भारत माता की जय, वंदे मातरम।